लास्ट ईयर हमने एक व्लॉग डाला था जो कि सीकर हाउस का था और उस पर बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए थे। आप सब लोगों ने बोला कि हमने बेड शीट्स कहाँ से लिए, कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से परचेज़ करी हैं। अभी ब्रेक लगे हैं थोड़े, तो रुकते हैं थोड़े से टाइम के लिए, और तो उसी के बाद में ये एक नेक्स्ट व्लॉग हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अभी मैं और मंशु हम कहाँ चल रहे हैं? सीकर हाउस और वो वाली चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं भी पहले कभी नहीं गई हूँ। ओके, और मैं भी नहीं गई हूँ। अगर तू नहीं गई है तो उस जगह पे मैं भी नहीं गई हूँ। जयपुर में मैंने अगर एक्सप्लोर करा है कुछ तो सीकर हाउस में जा चुकी हूँ, और बापू बाजार मैंने देखा है, जौहरी बाजार मैंने देखा है, और कुछ छोटे मोटे जो मार्केट होते हैं वो मैंने एक्सप्लोर करे हैं। बट आज हम एक हिडन मार्केट भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो एक थर्ड पर्सन भी हमें ज्वाइन करेगा जो कि अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो में आप लोगों के साथ में आएगा। जोरदार सैंडविच है ना, और उसमें भी ना चीज वाले सैंडविच लेना, मतलब मजा आ जाएंगे। मतलब जयपुर में ऐसे सैंडविच नहीं खाए होंगे, और वो बताऊँ हेल्दी है वो, है ना, वो तले हुए सैंडविच नहीं है, ठीक है, वो सिंपल ब्रेड रहती है, उसके अंदर बहुत सारी वेजेस रहती है, आलू रहता है उबला हुआ, खीरे रहते हैं, टमाटर रहते हैं, बाकी चीज़ रहती है, वो चीज़ भी आपके लिए हेल्दी होती है। और उसके अलावा उसे क्या टिप दूँ मैं, अगर इधर टिप दूँगी तो सामने टिप ले लेंगे। गाइज आप लोग है ना मेरे पेज पे जाके ऐसे इयररिंग्स परचेज कर सकते हो। कुछ अच्छा, प्रमोशन तेरा खुद का ज्वेलरी का ब्रांड है ना? नहीं ज्वेलरी नहीं है, रेजिन का ब्रांड है, कुछ भी बन सकता है, ज्वेलरी रेजिन डेकोर भी। अच्छा रेजिन आर्ट करती। गाइज आप ये जो लड़की देख रहे हो पीछे, ये गोरी सी, ये रेजिन आर्ट करती है। आप जो ये ज्वेलरी देख रहे हो, जो मृदु ने जो पहन रखा है, ये इसने खुद डिजाइन करा है, और जो इयररिंग्स अभी दिखा रही है ये भी इसने खुद डिजाइन करे। इसमें आप कोई भी अपना स्पेशल फ्लावर भी प्रिजर्व करवा सकते हो, और अगर इसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। ओके ओके, और इसमें मैं अगर कोई नाम लिखवाना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा क्या? यस। वाह यार, यही तो कह रही हूँ ना। बढ़िया लगे छाऊ में जब लोग बड़ा वाला दिया था सारे ग्रे कलर। हाँ ये देखो, हाँ कहाँ पड़ा है ये वाला? नहीं मेरे को इनका भी कलर तो नहीं जाएगा ना, फास्ट पे कलर कैसे दो, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा मिलो में। मेरे मेरे रूम का जो कलर किया है ना मैंने, ये वाला कलर है, तो उसके ऊपर ये और ये इतना अच्छे से जाएगा कॉम्बिनेशन में, ये ज्यादा अच्छी अच्छी ज्यादा जाएगी। ये लाइट कलर है ना ऐसा वाला, कॉन्ट्रास्ट में ये अच्छी जाएगी। ये तो एक साइड में रखो, ठीक है, एक और बेड चुकी नहीं है, ये ले लो, ये भी अच्छा है, और देख लो ना, और पड़ी, और भी काजू कलर ले लो। वाह क्या कलर दिखाया, लाल काला करके क्या राम जी, काला करके मेरे को क्या लगा, तो सारे आप लाइट में निकाल रहे हो, मैं डार्क में निकाल रहा हूं। ये वाला एक पर्पल वाला दिखाओ ना, ये अलग है, इसमें नहीं है, ये कपड़ा अलग आ गया, ग्लेस कॉटन है, तो ये ग्लेस कॉटन है और ये कॉटन ब्लेंड। हाँ दो कॉटन है, कॉटन ब्लेंड ना। क्या प्राइस है भैया इसकी? मैडम ये तो 650 को 550 दिखा दो, मेरे तो तू घर के लिए शॉपिंग करने लगे, इतनी बड़ी हो गई शादी हो रही है, मेरे की दो तीन Thank you.
चलो बच्चों